दिस चैप्टर वॉज फॉर 5 मार्क्स एज पर 5 to 10 मार्क्स आई थिंक एज पर द इंस्टीट्यूट राइट सिलेबस जो भी उन्होंने वो मिनिमम मैक्सिमम जो मार्किंग दिए ना अकॉर्डिंग टू दैट इट वॉज फॉर 5 मार्क्स बट इन द नवंबर 2019 द प्रीवियस एग्जाम मेकी तो कैंसिल हुई बराबर दिस वॉज आस्क्ड फॉर ऑलमोस्ट 20 to 25 मार्क्स दिस चैप्टर जो 5 मार्क का वेटेज था दैट वॉज आस्क्ड फॉर मिनिमम 20 to 25 मार्क्स मिनिमम 20 तो इधर भी नहीं सो देयर इज लाइक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट कि कौन से चैप्टर किस में रहेगा कितने मार्क्स का वेटेज रहेगा बट नॉट नेसेसरी दैट विल बी फॉलोड देयर विल बी डेविएशंस एंड यू हैव टू कंसीडर दोस डेविएशंस एज वेल सो सिंपल चैप्टर बट अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर ठीक है ओके द चैप्टर इज बिजनेस साइकिल और द ट्रेड साइकिल बिजनेस साइकिल और ट्रेड साइकिल बिजनेस साइकिल और ट्रेड साइकिल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमी गोज थ्रू वेरियस फेजेस लाइक जिनको जनरली हम बोलते हैं एक्सपांशन फेज कॉन्ट्रैक्शन फेज इकोनॉमी एक्सपांड्स एंड एट द सेम टाइम लेटर पॉइंट पे वो कॉन्ट्रैक्ट भी होती है दिस इज ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल अगर आप आपका स्लोप अपवर्ड है कभी ना कभी वो डाउनवर्ड आएगा या अगर डाउनवर्ड है कभी ना कभी उसका एंड होके राइट वो अपवर्ड जाएगा दिस इज एप्लीकेबल टू ए पर्सन इट इज एप्लीकेबल टू ए बिजनेस इट इज एप्लीकेबल टू ए सेक्टर इट इज एप्लीकेबल टू ए कंट्री और इकोनॉमी ऑफ ए कंट्री इट इज एप्लीकेबल टू एवरी वन सो जो फ्लक्चुएशंस आते हैं राइट जो फ्लक्चुएशंस आते हैं इन द इकोनॉमी दे आर कॉल्ड एज बिजनेस साइकिल और ट्रेड साइकिल फ्लक्चुएशंस इन द इकोनॉमी मे बी देयर बी सम पीरियड ऑफ द प्रॉस्पेरिटी economic prosperity like before lockdown right it was like prosperity period during lockdown or even after lockdown right it is a period of economic downturn it is very difficult to again right bring the economy into the same level actually if you read the newspapers or if you are following the new channels matlab I'm not talking about इन रिपब्लिक वगैरह आई एम टॉकिंग अबाउट सीएनबीसी एक्सेट्रा ठीक है जिनमें एक्चुअली कंटेंट होता है या इफ यू आर रीडिंग गुड न्यूज न्यूज़पेपर्स लाइक द हिंदू राइट नॉट टाइम्स ऑफ इंडिया ऑब्वियसली और इकोनॉमिक टाइम्स देन यू विल अंडरस्टैंड दैट टुडे इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ रेट इज निगेटिव सो ग्रोथ रेट कैन बी निगेटिव यस इट कैन बी निगेटिव जिसको हम बोलते हैं रिसेशन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट निगेटिव है मतलब वो रिसेशन है मेजर सेक्टर्स जो प्राइमरी सेक्टर्स है दे आर शोइंग निगेटिव ग्रोथ इन इंडिया दिस इज वेरी सरप्राइजिंग बट यस दिस इज रियलिटी बिकॉज ओवरऑल डिमांड डिक्रीज हुई है इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुई है अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है इनकम नहीं है सो ऑल दोज थिंग्स आर इंटरलिंक्ड एंड इट विल टेक मिनिमम 1 or 2 years टू ब्रिंग द इकोनॉमी एट ए सेम लेवल Maybe each government, state government, or central government, they are saying everything is good, but that is not the fact. That is really not the fact. During this period, right, many people have suffered. They have lost their job. Even if they are at job, they are getting salary less than their usual salary. Maybe they are working at like 50% salary, 60% salary, or right. Reason is very simple. There is a change. There is a fluctuation in the economy. The reason is beyond the control, obviously. But because of that, the jo economy grow ho rahi thi, it started showing negative growth or decrease in the growth rate. Today it is a negative growth rate. So, ye jo hum fluctuation samajhte hai, usko business cycle bolte hai. Will it continue forever? Is it end of the life? No, not at all. Nahi. Maybe this will continue for next six months, next 2 years, next 5 years, but there will be end to this as well.
लाइट एट द एंड ऑफ द टनल जैसे बोलते हैं, राइट, कभी ना कभी लाइट मिलेगी एंड देन दिखेगी एंड देन इकोनॉमी विल अगेन रिकवर. सो आपने बिफोर लॉकडाउन देखा है एवरीथिंग वॉज वेरी राइट मूविंग गुड एंड एवरीथिंग वॉज रियली गुड, राइट, एंड आफ्टर लाइक 23rd March और आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट, उसके बाद राइट इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट डिक्रीज होने लगा, इट बिकेम निगेटिव नाउ एंड दिस विल कंटिन्यू फॉर मे बी नेक्स्ट 5-6 months या 1 or 2 years, आई डोंट नो, नो वन कैन प्रेडिक्ट एक्चुअली टू बी वेरी फ्रैंक, एंड देन राइट इट विल रिकवर. ये जो फ्लक्चुएशन हो रहे हैं फिर वही दिन आएंगे जो हम प्री कोविड पीरियड में थे. सो दिस फ्लक्चुएशन आर कॉल्ड एज बिजनेस साइकिल एंड वे टू अंडरस्टैंड द फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल इन दिस चैप्टर एंड वॉट आर द रीजंस फॉर द बिजनेस साइकिल. कैन वी आइडेंटिफाई द चेंजेस इन द बिजनेस साइकिल, आर देयर सम इंडिकेटर्स, इफ यस विच आर दोज इंडिकेटर्स, वो हमें समझना है. एंड दिस इज राइट द चैप्टर, नॉट वेरी डिफिकल्ट बट राइट वी शुड अंडरस्टैंड, एटलीस्ट वी मस्ट नो द रीजंस. देयर इज नो सिंगल रीजन, यू कैन नॉट से देयर इज वन सिंगल रीजन, दैट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कि यही रीजन है. देयर आर मल्टीपल रीजंस, एक रीजन दूसरे रीजन को जनरेट करता है या दे आर इंटरलिंक्ड और दे मे बी इंडिपेंडेंट. सो एक चीज हमने समझी अभी तक कि इकोनॉमी कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग एंड दोज फ्लक्चुएशंस आर कॉल्ड एज राइट लाइक बिजनेस साइकिल और ट्रेड साइकिल. दिस इज ए रिकरिंग, दिस विल हैपन अगेन एंड अगेन. कभी इकोनॉमी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, लाइक दैट इट विल हैपन. दिस इज रिकरिंग इन द नेचर. मे बी अभी हम जो राइट डाउन में चल रहे इकोनॉमी निगेटिव ग्रोथ रेट में, कभी वो पॉजिटिव होके फिर इंक्रीज होगी, बट इंक्रीज होके कभी ना कभी और फिर डिक्रीज हो जाएगा. दिस इज बाउंड टू हैपन. सो दिस साइकल्स आर रिकरिंग इन द नेचर, राइट, यू कैन नॉट एस्केप देम, दे आर रिकरिंग इन द नेचर. एंड दूसरी बात, राइट, दे आर एट ए रेगुलर इंटरवल, आई मीन दे विल हैपन अगेन एंड अगेन, बट आई कैन नॉट एग्जैक्टली टेल द इंटरवल कि हाँ 6 months के बाद ही ऐसे होगा, नो. And again, they are not of a same length. They are recurring in the nature. This is first feature, recurring in the nature. Second, they do not occur at a regular interval. I cannot exactly tell you ki kitne interval, 6 months ke baad, ya 1 year ke baad, ya 2 years ke baad, no one knows. Like log bol rahe ki 1999 mein, right, there was some disease, right, and exactly 100 years ke baad, there is a COVID. Tabhi bhi, right, there was a lockdown at that point of time, not tab utna globalization nahi tha, utna export import nahi tha, ya log travel nahi karte the, but still some part of the world, right, of a globe was locked down during that period of time, and this is the biggest ever, obviously. 100 years ke baad kabhi na kabhi wo repeat hua, try to understand. Uske pehle Pune mein hua tha, I think, I don't know the exact year, pata nahi, that is right before independence. So, Pune was locked down. Pune and Bombay was locked down, and that was not for 1 or 2 days. It was for lockdown for almost like or lockdown. Mein proper lockdown word use karna theek nahi rahega, but right the impact was for almost 3 to 4 years. That happened because of disease only. So reason is beyond your control. Try to understand. Ha, rat disease tha, right? Wo. So abhi aap padhte ho, isliye aapko pata hai. Otherwise we are not bothered about it. Log bolte ki pehle bhi aise kuch hua tha. Now, whenever we say कि starting point, like हम बोलते 1999 में कुछ ऐसे हुआ था, 2019 में हुआ, but ये कब तक चलेगा? No one talks about starting point की बात हो रही है, कब तक चलेगा? It may continue, like this downturn will continue for 1 year or maybe 2 years or maybe 5 years, no one knows. But एक चीज fix है कि there is an end to it as well. वो endlessly चलेगा ऐसे नहीं होगा. There will be some like इनडेफिनेटली चलेगा ऐसे नहीं होगा. कभी ना कभी राइट इकोनॉमी रिवाइव होगी. सो इट इज रिकरिंग इन द नेचर. बिजनेस साइकल्स आर रिकरिंग इन द नेचर. हाउएवर दे आर नॉट रेगुलर एंड देयर लेंथ इज नॉट सर्टेन. 6 months, 1 year ऐसे नहीं है.
sometimes it may last for several years, like 5 years, 10 years down the line, or it will be of like some 2 to 3 years, or even in months. So, Nick Lena first, economic fluctuations. कोई लोग बोलते हैं fluctuation in the GDP as well. Business cycle is a fluctuation in GDP, but because economy का जो performance है, right, that is measured in terms of, right, GDP. If GDP is increasing, we say economy is growing. If GDP is decreasing, we say economy is, right, growing but at a lower rate. Yeah, maybe right down चल रही economy. Economic fluctuations can be measured in terms of GDP. So, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. Economic fluctuations can be. Economic fluctuations results in, right, some periods of prosperity. At the same time, economic prosperity right and also periods of economic downturn. So you will find some good days, you will also find some bad days, and that is your life. Similarly, economy ki bhi life hoti hai. Kabhi acche din aayenge, kabhi bure din aayenge, that we have to understand. So what is actually the definition of like business cycle? Main important points likh ke de raha hu, they are important. Likh lena, rhythmic. Fluctuations. Rhythmic fluctuations in aggregate economic activities. That and economy experiences. Experiences over a period of time. Period of time is business cycle or trade cycle. This is a definition. Rhythmic fluctuations, right? Up, down, like that. Rhythmic fluctuations in aggregate economic activity. It can be GDP, production. It can be aggregate employment, right? It can be investment, aggregate investment or capital formation. It can be savings. It can be, you can say, consumption expenditure, any economic activity. It can be capital expenditure. It can be like output to baat ki GDP ke terms mein, right? Credit facilities available in the, made available by the banking system. Economic activity. Any economic activity, aggregate economic activity, aggregate demand, aggregate supply, aggregate production, that is GDP, right? Capital formation, right? That is investments, yeah, savings, which is the first stage of the capital formation, right? Consumers consumption, household consumption, and capital consumption, capital expenditure, credit facilities made available, creation of the credit by the banks. Are you getting my point? Import export. Are you getting my point? Right. So these are economic activities, and in right in mein jo changes aayenge, jo fluctuations honge, unko hum bolte hain right business cycle or your trade cycle. Then aage likh lena. It is recurrent in the nature, recurring. Business cycles are recurring and periodic in the nature. Hamesha hote rahenge wo. However, they are not at regular interval. Fixed period mein nahi bol sakta. Right. Not at regular interval. These are the features. And right
एंड दे आर ऑफ नॉट सेम लेंथ. मे बी आई वॉज गोइंग थ्रू द न्यूज एंड उन्होंने बोला जो 1999 में जो डिसीज हुआ था दैट लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 6 to 7 years. 6 to 7 years मे बी वो इनका इंटरव्यू था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, WHO वालों का, राइट. कि वो बोल रहे थे कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो जो डिसीज था इट लास्टेड फॉर 6 to 7 years डाउन द लाइन. रीजन राइट, एक रीजन है ऐसे था, उन्होंने दो उसके एक दो उन्होंने पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए. एक वो डिसीज रिस्ट्रिक्टेड था रीजन बिकॉज ऑफ राइट कि तब उतनी ट्रांसपोर्टेशन नहीं था या उतना डेवलपमेंट नहीं था. सो वो एक कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड या ग्लोब के ही कॉर्नर में वो क्या था, एक जगह पे वो रिस्ट्रिक्टेड था, दैट इज गुड थिंग. हाउएवर उन्होंने बोला दैट इज गुड थिंग कोरोना के टाइम में वैसे नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग ये डिसीज वाइडली स्प्रेड हुआ. सो ही वॉज कंपेयरिंग बिटवीन द टू डिसीज, वो 1990 एंड दूसरा 2019. सो एक तो उन्होंने बोला कि वो ज्यादा साल चला एंड दिस विल कोरोना विल कंटिन्यू फॉर लेस पीरियड लाइक 2 years वो बोल रहे हैं, राइट. 2 years तक इसका इंपैक्ट दिखेगा हमें. वो 7-8 years चला ये 2 years. उन्होंने बोला वो राइट एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में था बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन वर नॉट इजिली अवेलेबल एवरीथिंग, तब उतनी डेवलपमेंट भी नहीं थी. टूडे बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट एवरीथिंग उसके वजह से ये वाइड स्प्रीड हुआ है बिकॉज इजिली लोग ट्रेवल करते एक जगह से दूसरी जगह पे, वो स्प्रीड भी हो रहा है. दिस वॉज सेकंड पॉइंट. उन्होंने बोला वो 6-7 years लगे उसको, 7-8 years लगे, उसके पीछे रीजन था टेक्नोलॉजी भी एक रीजन है कि उस टाइम इतने इजिली वैक्सीन वगैरह नहीं बन रहे थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था. टूडे दैट इज पॉसिबल. कभी ना कभी वो फिर से आ गया. मैं वही बोल रहा हूं आपको, मैं वही एग्जाम्पल दे रहा हूं जिसके थ्रू आप अब भी गए हो, तो यू विल अंडरस्टैंड कि फिर से वो चीज आएगी. डज इट मीन कि फिर एग्जैक्टली 100 years के बाद होगा? नो वन नोज. उसके पहले हो सकता है, उसके बाद हो सकता है, या राइट या रीजन ये नहीं, कुछ अलग रीजन हो सकता है. सो इकोनॉमी विल कम डाउन एंड अगेन इट विल रिकवर, राइट. सो नॉट एट होगा, रिकरिंग है बट इंटरवल रेगुलर होगा, इसकी गारंटी नहीं. एंड इट मे लास्ट फॉर इवन मोर टाइम और इट मे लास्ट फॉर ए लॉन्गर टाइम. मे बी इकोनॉमी अच्छे से रिकवर हो रही है, राइट. इट मे लास्ट फॉर लेस टाइम एंड फिर से वो डाउन टर्न में आ जाएगी, ठीक है. सो दीज आर द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक साइकिल, लिख लेना. सो बेसिकली एक डायग्राम जो मॉड्यूल में वो मैं समझाता हूं एंड देन आई विल टीच यू माई डायग्राम जो मोर डिटेल है, ठीक है. सपोज दिस इज टाइम एक्सिस, दिस इज विच एक्सिस, टाइम एक्सिस, ठीक है. मॉड्यूल के डायग्राम में आपको समझाता हूं. दिस इज टाइम एक्सिस एंड दिस इज रियल GDP एक्सिस बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर मेजर इन टर्म्स ऑफ GDP, राइट. इसलिए मैं GDP ले रहा हूं, राइट. GDP, रियल GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देखते हैं आगे, ठीक है. अच्छा स्पेनिश फ्लू था, आई डोंट रिमेंबर द नेम्स, राइट. इसलिए मेरे एग्जाम्पल में बहुत बार मैं नाम नहीं लेता. सो ध्यान देना, रियल GDP एंड टाइम एक्सिस. इफ देर इज नो ग्रोथ एट ऑल, इफ देर इज नो ग्रोथ एट ऑल, या मीन्स ऐसे नहीं बोलूंगा, सॉरी आई यूज राइट रॉन्ग वर्ड्स. देर इज अ ग्रोथ बट दैट ग्रोथ इज अ स्टेडी ग्रोथ. ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि देर इज नो ग्रोथ एट ऑल, वो गलत दिखेगा, राइट. एक्चुअल में मुझे बोलना है कि देर इज अ ग्रोथ बट इट इज अ स्टेडी ग्रोथ, लाइक दिस. दिस इज स्ट्रेट लाइन. इवन यू नो राइट, ऐसी ग्रोथ कभी नहीं होगी. ग्रोथ या तो कभी ज्यादा होगी, उससे कम होगी. दिस इज स्टेडी ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी. सो अगर ये आपका GDP का कर्व है, इट मींस योर इकोनॉमी इज ग्रोइंग एट ए स्टेडी रेट, बट दैट इज नॉट एक्चुअली द केस, ठीक है. देन
So this is how economy actually grows. Actually economy grow हो रही है, कैसे हो रही है ध्यान देना. This point, the lowest point is called as, right, trough. This is called as trough. या इसको recession बोलो simple words में. This is trough. Then this highest point, the lowest point of the economic cycle is a trough, सबसे बुरे दिन. And the highest point of the economic cycle, right, is called as peak. कोई लोग उसको boom बोलते हैं, different different names है, but correct word is peak. So lowest point of the business cycle is trough and highest point of the business cycle is peak. And ये जो when you right trough से peak जाते हो, trough से peak जा रहे हो, this is called as expansion or recovery. इसको actually I divide into two parts, लिख लेना, ठीक है. This is ये जो यहां तक part है ना, इसको मैं recovery बोलता हूँ. This is recovery part. यहां तक this is recovery part. And thereafter, एक बार आप steady growth rate के ऊपर गए, उसको हम बोलते हैं expansion. Economy expand हो रही है, यहां पर हम बोलेंगे right, economy at इट्स लोएस्ट. ये पॉइंट लोएस्ट पॉइंट है, इकोनॉमी सबसे बुरे दिन में, वहां से वो रिकवर हो रही है अप टू ए स्टेडी ग्रेट स्टेडी ग्रोथ रेट. वहां तक हम उसको बोलेंगे इकोनॉमी रिकवर हो रही है. एंड वंस इट क्रॉसेस दैट हम बोलते हैं इकोनॉमी एक्सपांड हो रही है, ठीक है. एंड देन इट विल रीच एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट, हाइएस्ट पॉइंट टिल दैट डेट, वो हाइएस्ट रहेगा, ठीक है, टिल दैट डेट. ऑब्वियसली राइट, नेक्स्ट हाइएस्ट उसके ऊपर भी रहेगा, ठीक है, हायर हाइस लोअर हाइस ऐसे देखते हैं. आगे ध्यान देना, ये पीक है. सो इकोनॉमी रिकवर्ड राइट. एग्जांपल, आप न्यूट्रल गियर में हो, आप डायरेक्टली फिफ्थ गियर पे नहीं जाती आपकी गाड़ी, पहले आप फर्स्ट गियर, फिर सेकंड गियर, फिर थर्ड गियर, लाइक दैट. फिफ्थ गियर पे आने के बाद आप सिक्स गियर में आप फिर नीचे आते हो, डायरेक्टली फर्स्ट गियर पे नहीं आती आपकी गाड़ी, न्यूट्रल पे नहीं जाती, 5 से 4, 3, 2 ऐसे होता है. ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिंपल एग्जांपल विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस. कि हम न्यूट्रल पे है, सपोज ट्रफ इज लाइक ए न्यूट्रल, देन फर्स्ट गियर, देन सेकंड गियर, थर्ड फोर्थ गियर में उसका स्पीड और इंक्रीज होगा राइट. एंड फिफ्थ गियर मतलब लास्ट पिक, एंड देयर आफ्टर हम फिर से उसको राइट वो डिक्रीज होता जाएगा. सो पिक इज the highest point of the business cycle. Thereafter, economy grow हो रही है, expand हो रही है, but there is also limit to the like its expansion. Endlessly expand कभी नहीं होगी. There is a that everything has its own limit. कभी ना कभी वो highest होके peak होके वो वहां पे constant हो जाएगा, and then it will start right decreasing. The growth rate will start decreasing. तो हम इसको बोलेंगे, ध्यान देना, ये इसको बोलते हैं, लिख लेना राइट, इसको बोलते हैं रिसेशन. कहां तक? पिक से ए पॉइंट तक रिसेशन. रिसेशन, इकोनॉमी इज इनटू रिसेशन मींस ग्रोथ रेट पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, बट इट इज डिक्रीजिंग ग्रोथ रेट. यहां पे ग्रोथ रेट इज नेगेटिव, सॉरी यहां पे ग्रोथ रेट नेगेटिव एक्चुअली. येलो लाइन के नीचे ग्रोथ रेट नेगेटिव है, येलो लाइन के ऊपर ग्रोथ रेट इज पॉजिटिव. ग्रोथ रेट नेगेटिव इंप्रूव हो रहा है बेसिकली, आप उसको नेगेटिव मत बोलो, एक्चुअली हम नेगेटिव में थे, हम वो नेगेटिव कम कर रहे हैं. सो नेगेटिव बोलना गलत दिखेगा, एक्चुअली जो नेगेटिव है उसको हम कम कर रहे हैं, हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं. तो ग्रोथ रेट इज यहाँ पे पॉजिटिव. रिकवरी में ग्रोथ रेट पॉजिटिव बनता जाता है, यू आर लाइक -5 ग्रोथ रेट है, फिर आप उसको कम करो -4, -3, -2 लाइक दैट, ग्रोथ रेट नेगेटिव कम हो रहा है. सो आप उसको पॉजिटिव बोलो, दैट इज गुड वे. रिकवरी में ये मत बोलो कि योर ग्रोथ रेट इज नेगेटिव, दैट लुक्स लाइक
टोटली कॉन्ट्रोडक्टरी, ग्रोथ रेट इज अ पॉजिटिव. आप बोलोगे सर आपने बोला एलओ नाइन के नीचे ग्रोथ रेट निगेटिव रहेगा. एक्चुअल में मैं मानता हूं वो ग्रोथ रेट उस पॉइंट पे निगेटिव है, बट इट इज बेटर देन द प्रीवियस ग्रोथ रेट, ऐसे मैं बोल रहा हूं. ठीक है, एक्सपेंशन में ऑब्वियसली रेट शुड बी पॉजिटिव, पीक इज द हाईएस्ट पॉइंट, रिसेशन में भी ग्रोथ रेट पॉजिटिव होता है. अब ये मत बोलो कि निगेटिव है, डिक्रीज हो रहा है, ग्रोथ रेट डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, निगेटिव नहीं है, डिक्रीजेस. मोर एप्रोप्रिएट वर्ड और एप्ट वर्ड इज यूजिंग द वर्ड डिक्रीजेस, ग्रोथ रेट डिक्रीजेस. यहां पे बोलो ग्रोथ रेट इंक्रीजेस, पॉजिटिव बोलने से. एंड यहां से एक लेवल से फिर इकोनॉमी राइट उसका ग्रोथ रेट इतना डिक्रीज हो जाएगा कि वो लोएस्ट पॉइंट की तरफ जाएगी फिर से. दिस लोएस्ट पॉइंट इज अगेन ट्रफ. दिस फेज इज कॉल्ड एज डिप्रेशन. आप बोलते हो ना डिप्रेशन है इकोनॉमी में, सो व्हाट इज इट? राइट, इट इज द निगेटिव ग्रोथ रेट. एंड यहां पे एक बिजनेस साइकिल कंप्लीट होती है. सपोज यहां से हमने स्टार्ट किया पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज द वन कंप्लीट साइकिल. ठीक है, लाइक ये होता रहेगा. बेसिकली योर मॉड्यूल सेज देयर आर फोर फेजेस ऑफ द बिजनेस साइकिल, फोर फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल, बट एक्चुअली देयर आर सिक्स फेजेस ऑफ द बिजनेस साइकिल जो मैंने यहां पर लिख के दिया है. फर्स्ट लिख लेना फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल. फर्स्ट फेज सपोज राइट, फर्स्ट फेज इज आपकी मर्जी, आपको कौन, एनी फेज कैन बी फर्स्ट फेज. आप कहां से देखते हो, सो हम लाइक हम रिकवरी देखते हैं. ठीक है, फर्स्ट फेज इज रिकवरी. ये हमने ट्रफ से स्टार्ट किया या रिकवरी, चलो रिकवरी. एंड सेकंड फेज रिकवरी से एक्सपेंशन की तरफ जाओगे. लाइक एग्जाम्पल विकेट्स गिरे, दो तीन विकेट्स गिरे टीम इंडिया के, धोनी आके स्लो स्लो खेलता है इनिशियली, रिकवर करता है टीम को, वो ट्रॉमस है. राइट, कोहली गए, विराट गए, ये रोहित सब गए मेजर प्लेयर्स, एंड ही कम्स ही रिकवर द टीम एंड देन ही स्टार्ट सिटिंग. सो जब रिकवरी जो फेज है ना, एक एक दो दो रन लेके वो थोड़ा स्टेबल करता है एंड देन स्टार्ट सिटिंग इन सीज इन टू अनदर गियर नाउ एक्सपेंशन. ट्राई टू अंडरस्टैंड. So, वो मोड में बोल रहा हूं. सो रिकवरी पहले इकोनॉमी को रिकवर होने दो, देन इट विल ग्रो एट वेरी हाई रेट. देन आगे थर्ड पिक, हाईएस्ट पॉइंट इज पिक. पिक पे जाओगे देन इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, उसको बोला था रिसेशन. रिसेशन चल रहा है, इकोनॉमी ग्रोथ रेट डिक्रीज हो रहा है, ग्रोथ रेट डिक्रीज हो रहा है. देन नंबर फाइव, ग्रोथ रेट डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद आएगा राइट सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन. सीवियर फॉर्म ऑफ द रिसेशन इज राइट डिप्रेशन. नॉट नेसेसरी कि रिसेशन आया मतलब डिप्रेशन आया गया. डिप्रेशन इज अ वेरी वेरी सीवियर फॉर्म ऑफ द रिसेशन. रिसेशन में ग्रोथ रेट पॉजिटिव है बट डिक्रीजिंग है, रिसेशन में ग्रोथ रेट निगेटिव है. सो यू कैन अंडरस्टैंड राइट, टुडे इकोनॉमी इज इनटू रिसेशन. ये सम रिसेशन है, डिप्रेशन में मतलब हमारा ग्रोथ रेट निगेटिव है. सो डिप्रेशन इन द सिक्स्थ, द फिर डिप्रेशन में इकोनॉमी इतनी डाउन जाएगी, इतनी डाउन जाएगी कि एक लेवल के नीचे हो जाएगी. नहीं, गिर गिर के भी कितना गिरोगे, ऐसे हम बोलो बोलते हैं. इट विल अगेन डिक्रीज होके एक लेवल पे जाके रुकेगी राइट, एंड फ्रॉम देयर इट विल बाउंस बैक. टर्निंग पॉइंट रहेगा वो राइट, रिकवरी फेज में आ जाएगा. वहां पे वो कुछ पीरियड के लिए रह सकती है इकोनॉमी, लाइक
इवन आई कैनॉट से कितने मंथ्स के लिए कितनी इयर्स के लिए, डिपेंड्स राइट. लोएस्ट पॉइंट एट होगा एंड देन इट विल रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम एंड देन इट विल स्टार्ट राइट ऊपर जाना स्टार्ट करके रिकवरी फेज में आ जाएगी. उसको बोला था ट्रफ, द लोएस्ट पॉइंट राइट ऑफ द बिजनेस साइकिल. मॉड्यूल में इन दोनों को एक साथ लिखा है और इन दोनों को एक साथ लिखा है. सो अकॉर्डिंग टू मॉड्यूल दिस इज वन स्टेज. दे हैव नॉट सेड कि विच इज स्टेज वन. देयर आर फोर स्टेजेस. आप कहां से स्टार्ट करते हो डिपेंड्स. दिस इज स्टेज टू सपोज, दिस इज थर्ड स्टेज एंड दिस इज फोर्थ स्टेज. आप कहां से देखते हो अकॉर्डिंगली नंबर चेंज हो जाएंगे. सो दे से देयर आर फोर स्टेजेस लाइक दिस. रिकवरी एक्सपेंशन को दे यूज वर्ड रिकवरी स्लैश एक्सपेंशन स्लैश बूम. देयर आर मेनी वर्ड्स बेसिकली दे यूज राइट. एक्सपेंशन ऑल्सो कॉल्ड एज बूम और अपस्विंग राइट. तो इसको इन दोनों को वो बोलते राइट एक्सपेंशन. जिसको वो लोग बोलते हैं बूम या अपस्विंग. अपस्विंग इसको वो बोलते हैं पीक इज द हाईएस्ट पॉइंट. ये बूम है. बुक बुक दिखेगा. देन वो इसको बोलते हैं इकोनॉमी एक्सपांड हो रही है राइट. यहां पे बोलेंगे इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन या उसको वो लोग बोलते हैं राइट डाउनस्विंग रिसेशन. इंटरचेंजिंगली कुछ भी यूज करते हैं. समझ लेना अगर पीक या एक्सपेंशन इज गुड थिंग एंड डाउन डाउनस्विंग और ट्रफ राइट रिसेशन इज अ नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी राइट. रिसेशन या राइट डाउनस्विंग ऐसे अलग वर्ड्स यूज करते हैं वो लोग. सो हमारे एग्जाम के लिए देर आर हाउ मेनी राइट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल. फोर फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल. एक्चुअल में देर आर सिक्स फेजेस. इस लाइन का पर्पज ही वही है. इस लाइन का जो स्टेडी ग्रोथ की लाइन है ना राइट उसका वो पर्पज है. सो स्टेडी ग्रोथ किसी की भी नहीं होती है. स्टेडी ग्रोथ किसी के भी नहीं होती है ठीक है. सो ये लिख लेना डायग्राम ठीक से निकालो एंड देन राइट वी विल